सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। मौका उस वक्त का है कि जिस समय गंगा ने शांतनु के सात बेटों को गंगा में बहा दिया, आठवां बेटा देवव्रत के रूप में पैदा हुआ, उसको लेकर के जब गंगा में बहाने के लिए वो गंगा चलती है तो साथियों शांतनु ने रोक लिया और ये कहा कि मैं इतना बड़ा अपराध तुझे नहीं करने दूंगा। तो साथियों गंगा रुक जाती है और सारी बात को बता करके और ब्रह्मलोक के लिए चली जाती है। साथियों ब्रह्मलोक से लौटती है 12 वर्ष के बाद, जब बालक देवव्रत साना हो जाता है तो वह देवव्रत को लेकर के राजा शांतनु के पास आती है। तब दोनों के बीच में क्या जवाब सवाल होते हैं, बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से बताया। मन इतने साल तड़पते हो गए, घायल चली गई मन बिना मौत के मार गई। तूने वचन तोड़ दिए मेरे नीति के अनुसार गई। मैं इधर रहया ना उधर रहया मन छोड़ बीच मझधार गई। मेरे बेटे ने और कितना कार्य में कुशल है, क्या कहा
नंबर 3 के अंदर। अरे कौन गुरु ते शिक्षा पाई ये तन्ने नहीं बताया, किसको मुनि वशिष्ठ ने वेदों का पाठ पढ़ाया, कर दिया प्रवीण शास्त्र का किसने बोध कराया, धनुर्विद्या किसने सीखी, धनुर्विद्या किसने सीखी, अत बेटा कर कमाल तेरा, परशुराम की कृपा से करे बेटा अमर मिसाल तेरा, परशुराम की कृपा से करे बेटा अमर मिसाल तेरा। अपने मन की बात भी कह देता है, अपने मन की बात भी कह देता है कि हे प्राण प्रिय, बहुत समय व्यतीत हो गया, आप मेरे साथ चलिए। और क्या कहते हैं अंतिम कली के अंदर क्या दर्शाया क्या था? अरे अब तो साथ चाल प्यारी, ओ मत मुझको तड़फइए तू, साथ में रह करके महलों की शान बढ़िए